अब बच्चे घर में सुबह से आज मुर्दंग मचाने में लगे हुए हैं, पता नहीं कभी यहाँ फैला देते हैं कभी वहाँ फैला देते हैं। आज तो खा लेगी क्योंकि खुद बनाई। धनी तू खा ले, ये उल्टा चॉपर लगा के चॉपिंग कर रही हूँ। मतलब मैं जब नानी हाउस रहने जाऊंगी तो जिन्हें पीछे से बना के पापा को भी नहीं। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज है छुट्टी वाला दिन। मतलब पापा की छुट्टी नहीं है, बच्चों की छुट्टी है। और बच्चे घर में सुबह से आज मुर्दंग मचाने में लगे हुए हैं, पता नहीं कभी यहाँ फैला देते हैं कभी वहाँ फैला देते हैं कभी कहीं और फैला देते हैं, तो सारा दिन यही चलता रहता है। तो चलो देखते हैं आज बच्चा पार्टी किचन में क्या कर रही है। ये क्या हो रहा है जी? नहीं आज मम्मी मैं ना आपका थोड़ा सा हेल्प करवाने वाली हूँ और मैं बनाने सारे नाचोस चाट। अच्छा, आज आप चॉपर में चॉपिंग करोगे? हाँ मैं। फ्रेंड्स इधर आओ, देखो ये चॉपिंग करेगी, ये उल्टा चॉपर लगा के चॉपिंग करेगी, ये उल्टा चॉपर। तो मतलब आज मुझे लंच नहीं बनाना? आज लंच बनाना है, वो जो स्टार्टर्स में। अच्छा मतलब लंच बना, फिर मेरी क्या हेल्प कर रही है बताओ? मतलब आपको ना ज्यादा से ज्यादा दो पराठे या एक पराठा करना होगा, मैं भी यही खाने वाली हूं। अच्छा और तू क्या कर रही है इधर? हाँ फ्रेंड्स देखना ये क्या कर रही है। जब से ये मोल्ड्स आए घर में, इसका परांठा तो इस शेप का बनता है, इसका कटलेट तो इस शेप का बनता है, और आज सैंडविच भी इस शेप का बन रहा है। मैडम मुझे इस शेप में मत कट कर देना, कहीं कहो तो मम्मी को, मम्मी भी इस शेप में चाहिए और पापा भी इस शेप में चाहिए। तो सारा दिन यही जमा चौकड़ा। अभी मेरे को जाना है मार्केट थोड़ा सा सामान लेने। क्या लाएगी मार्केट से? देखो अभी थोड़ी सी चीज है, हमें और चीज लिस्ट तेरी तैयार है? इसकी लिस्ट देखते हैं आ जाओ। तो फ्रेंड्स इसकी लिस्ट मैं देख रही हूँ जरा, इसमें नाचोस चीज नाचोस ये बनाने वाली है, इंग्रेडिएंट्स ये नाचोस चेदार चीज, या मैम हम मोज़रेला यूज करेंगे क्योंकि वो चेदार चीज का ब्लेंडेड वे होता है। अच्छा ब्लेंडेड वे होता है, और वाह बेटा वाह, हमें तो पता ही नहीं था ब्लेंडेड वे होता है। क्या अंग्रेज बच्चे है ना, मतलब वो अंग्रेज चलेंगे लेकिन अपनी अंग्रेजी बच्चों के, क्या बोलते हैं अंग्रेजी, बच्चों के माध्यम से छोड़ गए। मैं हिंदी में बोल रही हूँ। और ये है कैरेट या बेल पेपर, हम इसको काट के ऑनियन ले लेंगे। अच्छा बेल पेपर मत डालियो, मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है ठीक है। कुकुम्बर, कुकुम्बर हम लेंगे, और कुकुम्बर के साथ हम एक और टमाटो भी ले लेंगे। तू खा ले टमाटो? हां जी आज तो खा लेगी क्योंकि खुद बनाई। धनी तू खा ले टमाटो? जो ये चाट बनाने वाली है उसमें टमाटो वमेटो डालने वाली है, खा लेगी? अब उसे चौकोस चाहिए, रुक जा बीच में डिस्टर्ब मत करो। ब्लैक पेपर पाउडर, हाँ ब्लैक पेपर ऑरिगेनो, ऑरिगेनो एंड सॉल्ट। और ये क्या है? चित्रपथ कलाकार। ये मेरी ना हिंदी क्या की बोली है। अच्छा ये मेरे को लगा ये भी उसमें घोल घोल के डालने वाले हैं। चित्रपथ वगैरह एक और चीज चाहिए। अब क्या चाहिए? एक तो मैं लाऊंगी मेयोनीज। मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे खाएंगे खाएंगे मजा। नाचोस में नहीं डाली थी फ्रेंड्स, मेयोनीज में वो वाली है। क्या तो चल जा ले मार्केट से सामान। जा चलो 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 जा। दो नाचोस दे दो और एक मेयोनीज़ दे दो। One hour later. तो यहाँ पे जिन्नी मैडम जी चॉपिंग कर रही है, मतलब चॉपिंग मैं कर रही हूँ, वो कटिंग कर रही है। ये हमने कुकुम्बर अपना चॉप किया। बच्चों एक बात बताओ, कितने बच्चे अपने आप बनाते हैं, मम्मियों की हेल्प लेते हैं? तो चलो जल्दी जल्दी रुक रुक रुक, ये तीन एक साथ कर लो, फिर हमारा कुकुम्बर चॉप हो गया। इसको टेस्ट करते देखो ना बेटा, कड़वा तो नहीं है, है? ये ऐसे काट लिया, किस्मत अच्छी है बच गई। फ्रेंड जब कुकुम्बर कट करते हैं उससे पहले ऐसे ऐसे उसका पॉइजन निकालते हैं अंदर का, ताकि वो कड़वा ना रहे। लेकिन इस मैडम ने ऐसे छील लिया और कट कर दिया, तो वैसे कड़वा नहीं है, तो बच गई है मैडम जी ना। मेरा टमाटो कहाँ है? तेरा टमाटो तेरे फ्रिज के अंदर है। फ्रिज के अंदर हमारा टमाटो काट दो मम्मा, चॉप कर काट दो मम्मा। मेरे को काटना इतना अच्छे से नहीं आता, मैं चॉप कर दूँ। पहले इसको धोते भी हैं अनियन को, बहुत बढ़िया धोते हैं अनियन को, धोते हैं उसमें से स्मेल निकल जाती है। वैसे मुझे अनियन कम पसंद है। अरे वो अटक जाएगा, मैंने कहा था ना वो अटक जाएगा, एक्चुअली वो मोटी स्लाइस है। बेटा आपके आपसे ना उठ पाएगा।
ये अनियन चॉप। अब हम करते हैं टमाटर, टमाटर मैं करूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जिनी ने अपने नाचोस निकाल के लगाने शुरू कर दिए हैं। चलो मैं इसकी हेल्प करा देती हूँ। हम लगा रहे हैं, अच्छे से लगाएंगे हम, अच्छे से लगाओगे, अच्छे से लगाएंगे हम। बेटा प्लेट तो बहुत छोटी ले ली आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू मम्मा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आजकल के बच्चे भी ना भर भर के खाएंगे हमें। खाना नहीं खाओगे आज? मैं कह रही हूँ स्किप करते हैं लंच ना। अच्छा, मैम आज लंच में बनाने वाली मूली के परांठे। किस किस को पसंद है मूली के परांठे जरा कमेंट करके बताओ। मुझे तो बहुत पसंद है, मम्मी आई एम श्योर सारे बच्चा पार्टी को पसंद होंगे और उनकी मम्मियों को तो बहुत ही पसंद होंगे। अभी हम एक ही पैकेट बनाते हैं। हाँ एक ही बनाते हैं, एक ही पे ही अपना कारनामा सेट कर लेते हैं जरा। चलो अब मैं इसके ऊपर मेयोनीज डालती हूँ। पहले इसके ऊपर वेजिटेबल्स डालो। मेयोनीज ऊपर से डलेगी, ऐसे ऐसे डलती है। मेयोनीज पहले डलेगी मम्मा? मेयोनीज बाद में डलेगी बेटा। मेयोनीज पहले डलेगी मम्मा? मेरे हिसाब से वेजिटेबल डलेगी बेटा। ये लो ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर है ना? हाँ ब्लैक पेपर। ये रो सॉल्ट और ये भी आ गई है हीरोइन। ये डल गई हमारी वेजिटेबल। बस इतनी सी वेजिटेबल? हाँ हाँ वेजिटेबल कौन खाए फ्रेंड्स? हाँ नहीं नहीं इतनी, इससे ज्यादा नहीं डलेंगी। इससे ज्यादा नहीं डलेंगी। तो चलो बहुत बहुत डिलीशियस लग रही है फ्रेंड्स। यस वाकई बहुत अमेजिंग लग रहा है देखने में। तो देखते हैं खाके कैसा लगेगा हमारी ब्लैक पेपर। ये लो जी ऑरिगेनो, ऑरिगेनो दो हमें। ठीक है जी, ठीक है जी। अब सॉल्ट डालकर डाल दो जी। बस अब इसको जरा थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, फिर हम अपनी मेयोनीज डाल दो। मेयोनीज डाल दो फिर। A few moments later. तो finally इनकी चाट बनके ready हो गई है। लग तो बहुत ही अमीरी है। ध्वनि टेस्ट करके देखो कैसी है। अब मैं जा रही हूँ टेस्ट करने। Yummy. Awesome. Friends मजा आ गया। चलो मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ जिनी की चाट। हालांकि मैं म्यूनीज विनीज ज्यादा नहीं खाती हूँ, बट जिनी ने बनाई है तो जरूर खाऊंगी। Yummy. अमेजिंग, मजा आ गया। वेल डन जी, गुड जॉब। अ फ्यू आवर्स लेटर। तो फ्रेंड्स पापा आ गए हैं ऑफिस से, तो पापा को टेस्ट करवाते हैं, देखते हैं पापा को कैसी लगेगी ये वाली चीज। पापा ये देखो मैं क्या लेके आई। ये क्या है पापा? ये है नाचोस चाट। नाचोस चाट? चाट यस। चाट तो चाट लो फिर। आप क्या मतलब टेस्ट करके बताओ हमें कि तूने बनाया है? यस बनाया है। तूने खा के देखा है? ठीक है पक्का? हाँ बहुत अच्छा है। मतलब डाउट हो रहा है आपको? अरे ये ना वेजिटेबल्स भी है ना, सिर्फ लगा के खा सकते। इसमें बटर तो नहीं है ना? फ्रेंड्स पापा ये सवाल मुझे इसलिए पूछा क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मेरे को मटर बिल्कुल नहीं पसंद है। मतलब कौन कौन सी वेजिटेबल डाली तूने वो बता दे। इसमें टमाटो और ऑनियन। कुकुम्बर टमाटो अनियन सॉसेज कौन सी डाली है? ये फ्रेंड्स बहुत अच्छे फ्रेंड्स। ये मुझे लग रहा है मेरे साथ कोई प्रैंक हो रहा है। कोई प्रैंक नहीं हो रहा, पापा का चल जाएगा। अरे मैं खा लूंगा तू रख दे। मैं खा लूंगा, मैं खा लूंगा। ये पूरी प्लेट आपको खत्म करनी है। अगर अच्छी लगे काम करते हैं फिर। पहले पहले खा के दिखाइए कैसा बना है। ये तो खा के दिखाइए। सही है बढ़िया। अरे इनकी शक्ल तो ठीक ठाक सी लग रही है। ठीक ठाक सी लग रही है। तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। सिर्फ नाचोस ट्राई किया है ना, उसमें मेयोनीज का टेस्ट आएगा। मुझे इतना डर लग रहा है क्योंकि जी मतलब जी नहीं 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 मैं खाऊं। मेरे हाथ से खाओ। कैसा है ये तो बताओ।
पापा के खाने से तेरे को पता नहीं लग रहा वो कैसा लग रहा है, मतलब वो उत्तम से भी सर्वोत्तम बनाया लग रहा है। एक होता उत्तम, एक होता सर्वोत्तम, एक होता सर्वोत्तम। सर्वोत्तम सर्वोत्तम के बाद क्या होता है? अति अति उत्तम बीच का होता है, उत्तम अति उत्तम फिर सर्वोत्तम। बढ़िया बनाए तो मैं चाहता हूँ कि जो जो बच्चे देख रहे हैं वो भी अपने पेरेंट्स के लिए बनाए, उनको बहुत मजा आएगा, बहुत टेस्टी है। मतलब नाचोस चाट, हाँ मतलब मैं जब नानी हाउस रहने जाऊंगी तो जिन्हें पीछे से बना के पापा को भी। हाँ नहीं ये चीटिंग है ना, कोई बात नहीं। देखो मम्मी ने मना कर दिया, मम्मी को भेज देंगे हम नानी हाउस और हम चलेंगे डिज्नीलैंड यूएस। हाँ जाओ 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 जाओ, क्योंकि मम्मी के लिए तो जो है ना डिज्नीलैंड वो नानी हाउस ही है। सच्ची में ये बात तो परफेक्ट है। एक बार आप भी कमेंट करके बताना कि किस किस को अगर नानी हाउस और डिज्नीलैंड में अगर ऑप्शन मिले तो वो कहाँ जाना पसंद करेगा, और जब वो अपना कमेंट करे तो वो अपनी मम्मी से भी पूछे कि मतलब वो कहाँ जाना चाहती हैं, ताकि हमें पता चले कि इन दोनों बच्चों की मम्मी एक्स्ट्रा मतलब नानी घर को चाहती हैं, एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस दे रही हैं। फ्रेंड्स वो तो आपको व्लॉग से भी आइडिया लग गया होगा कि मैं इतने सालों में कितनी बार नानी हाउस गई हूँ। ये बात ठीक है फ्रेंड्स, जब तक मैं नाचोस खा रहा हूँ ना आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये वाली वीडियो देखी नहीं? देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।